तो आज मेरे घर पे बन रही है मैंगो आइसक्रीम। जी हाँ, गर्मी इतनी बढ़ गई है तो आइसक्रीम तो बनाना बनता ही है। तो देखिए, मेरे पास में ये अमूल क्रीम का एक छोटा वाला जो कंटेनर है वो था, तो वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। कोई व्हिपिंग क्रीम नहीं है, बस जो नॉर्मल क्रीम आती है वही है। और इसका जो एक्स्ट्रा जो दूध होता है ना, पतला पतला, वो हमें निकाल देना है, क्योंकि अगर हम इस दूध के साथ में इसे अगर हम फेंटेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये अच्छे से ना गाढ़ा भी नहीं होगा। और दूध को हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे तो आप उसमें इसे यूज़ कर दीजिए। और देखिए, यहाँ पे मैंने, मेरे पास एक बीटर है, तो बस उसी से मैं यहाँ पे इसे फेंट रही हूँ अच्छे से। और ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हमें इसे अच्छे से फेंटना है। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्रीम है वो एकदम चिल्ड, ठंडी होनी चाहिए। आप जब आपको बनाना हो ना, बस तभी आप इसे फ्रिज से निकालें और तुरंत इसे बना दीजिए। और यहाँ पे जब हम बीटर को चलाएंगे ना, तो अलग अलग मोड आपको चेंज करना होगा। पहले आप मोड 1 पे इसे अच्छे से बीट करेंगे, फिर जैसे थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसे सेकेंड वाले मोड पे बीट करेंगे। अब देखिए, गाढ़ी हो गई तो मैंने यहाँ पे डाल दी है शक्कर, पीसी हुई शक्कर मैंने यहाँ पे डाली है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ जो मलाई होती है, फ्रेश वाली मलाई, या सुबह के दूध की मलाई है, तो वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है आम का जो पल्प होता है वो। तो मैंने यहाँ पे एक आम को अच्छे से सारे छिलके निकाल के टुकड़े कर लिए और इसे मिक्सर में घुमा के गाढ़ा गाढ़ा मैंने पल्प बना दिया है, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। बस अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंटेंगे इसे, और उसके बाद में हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में सेट करने के लिए रखेंगे। अब देखिए, ये ना व्हिपिंग क्रीम नहीं है, तो ये नॉर्मल वाली क्रीम है, तो इसे ना फेंटने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, जो नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम से इसमें 5-10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। बस आप इसे पेशेंटली फेंटिए। और इसमें ना बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम ये चिल्ड और एकदम ठंडी वाली क्रीम होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने इसे एक ग्लास के कंटेनर में इसे डाल दिया है सारा, मैंने इस आइसक्रीम के मिक्सचर को, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया ये थोड़े से कटे हुए आम के टुकड़े। और मुझे ना आम के साथ में ना केसर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर से ट्राई करके देखना। ये मैंगो और केसर का टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसके साथ में मैंने यहाँ ऊपर डाल दिए थोड़े से केसर के धागे, और बस अब मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए 1-2 घंटे के लिए। मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉइल या फिर आप क्रिंज रैप जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस तरह से अच्छे से आप पूरी तरह से कवर कर दीजिए इसे, एयरटाइट कंटेनर में आपको रखना है। इसे लॉक करके मैंने इसे फ्रीजर में रख दूंगी 2 घंटे के लिए। देखिए, 2 घंटे के बाद में मैंने इसे बाहर निकाला है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अभी राइट क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे मैंने सिल्वर फॉइल को हटाया और देखिए कितनी बढ़िया, 2 घंटे में भी अच्छे से सेट हो गई, लेकिन ये पूरी तरह से अभी सेट हुई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे फिर से पूरा मिक्स कर दिया है। अभी आप सोचेंगे ये क्या कर दिया मैंने, लेकिन ये आप ज़रूर से कीजिएगा, आपको ना बिल्कुल टेस्ट ही इसका डिफरेंट आ जाएगा। अब मैंने सारे मिक्सचर को फिर से एक बार अच्छे से फेंट लिया है, तो जो आम के टुकड़े हैं इसमें और जो केसर है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई है। और इसका जो फ्लेवर आएगा ना, आप अनबिलीवेबल, आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, और जब आप खाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आया है इसका। और अब मैंने यहाँ ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दिया इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, मैंने थोड़े काजू बादाम, अगर पिस्ता है तो आप वो भी इस पर डाल सकते हैं। थोड़े से मैंने फिर से इसके ऊपर डाल दिया है केसर। तो अभी ना यहाँ पे ऊपर से आप थोड़े से आम के टुकड़े भी डाल सकते हैं, अब मेरे पास है नहीं तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और बस देखिए, फिर से मैंने सिल्वर फॉइल इस पर लगा दिया है, इसे लगा दूंगी फ्रीज़र में आराम से 7-8 घंटे के लिए। तो 7-8 घंटे के बाद में देखिए, शाम हो गई है, अब मैं इसे खोल के देखूंगी और देखते हैं हमारे आइसक्रीम के क्या हाल है। और देखिए, खोलते ही मैंने क्या देखा, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से ना आइसक्रीम गायब है, यानी खा चुके हैं बच्चे, पता नहीं किसने खाया है, अभी पता चेक करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए कोई नहीं, अब हम यहाँ से लेते हैं आइसक्रीम। देखिए, अच्छे से सेट हो गई है 7-8 घंटे में, और अब हम इसे निकालेंगे बोल में। आप इसे गार्निश कीजिए और बस मज़े लीजिए आइसक्रीम के। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, आपको मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप फेसबुक पे है तो मेरे पेज को फॉलो कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, फिर मैं मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।